प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। वो मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 कार्यक्रम में शामिल हुए। विशेष सत्र को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत की जनता ने जिस स्पीड और स्केल पर फिनटेक को अडॉप्ट किया है उसका उदाहरण कहीं और नहीं मिलता। इसका एक बड़ा श्रेय हमारे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI को भी जाता है और हमारे फिनटेक्स को भी जाता है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि ये भारत में त्योहारों का मौसम है। अभी अभी हमने जन्माष्टमी मनाई है और खुशी देखिए, हमारी इकोनॉमी और हमारे मार्केट में भी उत्सव का माहौल है। इस फेस्टिव मोड में ये ग्लोबल फिनटेक फेस्ट हो रहा है और वो भी सपनों की नगरी मुंबई में। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक समय था जब लोग हमारी सांस्कृतिक विविधता को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते थे, अब लोग भारत आते हैं और हमारी फिनटेक विविधता को देखकर भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। एयरपोर्ट पर उतरने से लेकर स्ट्रीट फूड और शॉपिंग का आनंद लेने तक भारत की फिनटेक क्रांति हर जगह दिखाई देती है। AI के दुरुपयोग से जुड़ी आपकी चिंताओं को भी समझता हूं, इसलिए भारत ने AI के एथिकल यूज के लिए ग्लोबल फ्रेमवर्क बनाने का भी आह्वान किया है। साथियों, फिनटेक सेक्टर की मदद के लिए सरकार पॉलिसी लेवल पर हर जरूरी बदलाव कर रही है। हाल में हमने एंजल टैक्स को हटाया है। हमने देश में रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए 1,00,000 करोड़ रुपए का फंड बनाने की घोषणा की।